इंदौर में देर रात जोमेटो डिलीवरी बॉय को साइकिल से फूड डिलीवर करते देख एक टीआई का दिल पसीज गया। उन्होंने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर एक दिन की सैलरी इकट्ठा की। इन रुपयों से टीआई डिलीवरी बॉय को नई बाइक गिफ्ट कर दी। डिलीवरी बॉय इतना खुश हुआ कि बाइक से डिलीवरी करने के बाद रात को थाने पहुंचा। उसने बताया कि पहले दिन उसने 1000 रुपए कमाए हैं। विजयनगर टीआई तहजीब काजी ने बताया कि कुछ दिनों पहले वो गश्त पर थे, तभी उन्होंने साइकिल से एक फूड डिलीवरी बॉय को डिलीवरी करते हुए देखा, जिसमें वो बहुत जल्दी में था। काजी ने उसे रोक लिया। डिलीवरी बॉय ने कहा कि फूड डिलीवर करना है। काजी ने सोच लिया था कि उसकी ये परेशानी दूर करेंगे। वहीं थाने के स्टाफ की मदद से उन्होंने एक दिन की सैलरी जुटाई। करीब 32,000 रुपए डाउन पेमेंट जमा कर डिलीवरी बॉय को नई बाइक दिलाई है। टीआई काजी ने बताया कि जय हल्दे निवासी मालवी नगर ने बताया कि साइकिल से कई बार खाना लेट पहुंचाने के कारण से ग्राहकों से डांट भी सुननी पड़ती थी। घर में माँ और छोटा भाई है। साइकिल से डिलीवरी करने पर दिन भर में 300 से 400 रुपए ही कमा पाता है, जिससे घर का खर्च पूरा नहीं होता। वहीं पिता 2 सालों से मजदूरी करने नासिक गए हैं, जहाँ जय 10वीं तक पढ़ा है। वो जनता क्वार्टर के पिंक फ्लावर स्कूल में पढ़ता था। एक्सीडेंट के बाद हाथ टूटने के बाद स्कूल जाना बंद हो गया। वहीं आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाया। अभी वो छोटे भाई को पढ़ा रहा है, जो 5वीं कक्षा में है। जय ने बताया कि रविवार दोपहर उसके पास विजयनगर थाने से फोन आया। थाने बुलाने के नाम से वो डर गया। माँ ने कहा कि कुछ गलत तो नहीं किया। जय हिम्मत जुटाकर थाने पहुंचा तो डर कर साइकिल भी थाने के बाहर ही खड़ी कर दी। तब टीआई ने उससे कहा कि तुम्हें नई बाइक दिला देते हैं, किस्त जमा कर पाओगे। जय ने भी खुददारी दिखाई। उसने पुलिस से कहा कि आप लोग बस डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी का पैसा मैं खुद कमा कर भरूंगा। पुलिस कर्मियों ने भी ऐसा ही किया। वहीं जय ने कहा कि अब मैं गाड़ी से ज्यादा डिलीवरी कर सकता हूं, तो आगे की किस्त मैं खुद जमा करूंगा। वहीं देर रात डिलीवरी खत्म करने के बाद वह फिर थाने पहुंचा और टीआई को बताया कि उसने शाम 5 से रात 12 बजे के बीच तक 1000 रुपए कमा लिए हैं। साइकिल से डिलीवरी का काम करता था, जिसमें जल्दीबाजी में था मैं, तो इस कारण ने क्या है कि स्पीड में जा रहा था, तो टीआई साहब पे राउंड पे थे, तुमने देख लिया मुझे, तुमने मुझे राउंड पे आते हुए देखा था, तुमने फिर मैं 2-4 दिन बाद फिर उन्हें फिर दिखा, तुमने थाने बुलाया। मोटरसाइकिल वो लेने की स्थिति में नहीं है, उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो पूरा स्टाफ, क्योंकि वो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था, पूरे स्टाफ ने सब ने एकत्रित किया, अपनी एक एक दिन की तनख्वाह में से पैसे इकट्ठे किए और उसकी जो डाउन पेमेंट था वो जमा करवा के एक किस्त जमा करवाई। और